इस वीडियो में अपन अनबॉक्सिंग करेंगे। क्या है इसके अंदर, सस्पेंस है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे जो भी ओवरसाइज पैकेट होता है तो वो अपने मेल बॉक्स में नहीं आता, ऐसे एक रिसिप्ट दे देते हैं और ये रिसिप्ट अपने को वहां पे जो अपना ऑफिस है वहां पे दिखाना पड़ता है, जो लीज ऑफिस है, जो है ना इस एरिया का जो लीज ऑफिस है वहां दिखाना पड़ता है और वो फिर आपको ये पैकेट दे देते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर है क्या। क्या है ये, क्या है ये, ये है पेन और ये है इसके ऊपर का, मतलब जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड होंगे उनको पता है इसको घी बोलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि मुझे बहुत पसंद है किसी भी मार्शल आर्ट से जुड़े रहना, तो जब मैं इंडिया में था तो मैं कराटे की प्रैक्टिस करता था, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं जिजित्सु की प्रैक्टिस के लिए जाने लगा, ब्राजीलियन जिजित्सु। तो उसके लिए मेरे को घी की ज़रूरत थी, तो ये घी थी। अभी मैं ऐसे चुटकिए से बजाऊंगा और ये पूरी घी मेरे ऊपर आ जाएगी अपने आप और आप देखेंगे 1 2। तो भाइयों ये है मेरी घी, है ना, बहुत मतलब ये करीबन $80 पड़ गई मेरे को, लेकिन बहुत अच्छी ग्रिप है क्योंकि जैसे जूडो वाले जानते होंगे, जैसे मैं जूडो भी कुछ दिन गया हूँ, ज़्यादा नहीं सीखा लेकिन करीबन 1-2 महीना गया था। इसमें ये पकड़ के खींचते हैं, ये पकड़ के गिराते हैं, तो ये बहुत मजबूत रहना चाहिए, तो बहुत अच्छी थिक है ना। तो ये है पैंट की फिटिंग भी बहुत अच्छी है, पैंट की फिटिंग आपको दिखाता हूँ, ये इसके पैंट की फिटिंग है, ठीक है। और इस वीडियो में आप सीख लीजिए कि कराटे, जूडो और जिजित्सु का ये जो बेल्ट रहता है, अब भैया ये मेरा फिर से बिगनिंग होगा, वाइट बेल्ट होगा, तो ये कैसे बांधा जाता है, बहुत लंबा है लेकिन हो सकता है आपके काम आ जाए सीखने के, हाउ टू टाई अ बेल्ट। बेल्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, है ना, ये बेल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं पहले कराटे, जूडो और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी मतलब कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट होते हैं उसमें जनरली चप्पल या जूते नहीं पहने जाते, तो मैंने अपने चप्पल उतार दिए और मैं आपको सिखाऊंगा कि कराटे का बेल्ट या जूडो का, जिजित्सु का बेल्ट कैसे बांधते हैं। इसको कैसे बांधते हैं बता रहा हूँ, ये जो ऐसे देख लो नाप का बराबर और फिर ये ऐसे कर लो और ये सेंटर में आना चाहिए, कमर से बांधता हूँ, मेरी आदत है, है ना। तो ये आया, और ये अपना बेल्ट बन गया ऐसे करके, बो करते हैं कराटे में ओस बोलते हैं, इसमें ऐसी बो करते हैं हम लोग और ऐसे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे लेके पटक के ठोक देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दिन अपने जहाँ का मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ का पूरा वीडियो शूट करूँ, और अगर उन लोग परमिशन देते हैं तो एक दिन मैं वो वीडियो भी शूट करूँगा कि कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।